तो दोस्तों आज की शो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बिगेस्ट अपकमिंग पैन इंडिया मूवीज के बारे में, जो हमें 2024 और 2025 में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं, जिसके कारण कमाई के मामले में तो ये मूवी तबाही मचा कर रख देगी। तो कौन कौन सी ये मूवी है ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चले दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट एक नंबर 5 पर है देवरा, और देवरा एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके अंदर जूनियर एनटीआर एक लुटेरे किरदार में नजर आएंगे और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं कोटाला शिवा सर, वो भी काफी बड़े लेवल पर, क्योंकि ये मूवी कोटाला शिवा सर की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है और इस मूवी के लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं जूनियर एनटीआर के साथ जाह्नवी कपूर, और इसके साथ ही नेगेटिव रोल में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। और ये मूवी वायलेंस से भरी गैंगस्टर मूवी होने वाली है, और ये मूवी 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि जूनियर एनटीआर RRR जैसी मूवी देने के बाद एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके हैं। और इसके अलावा इस मूवी का बजट है 300 करोड़, और ये मूवी हमें 10 अक्टूबर 2024 तक देखने को मिल सकती है। तो हमारे लिस्ट नंबर 4 पर आती है वाटू, और वाटू एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके अंदर ऋतिक रोशन कबीर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी, वो भी एक बैड कैरेक्टर में, और इस मूवी को एन मुखर्जी सर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी काफी बड़े लेवल में, और साथ ही जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी भी लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। और इस मूवी में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच खतरनाक फाइट होने वाली है, जिसे देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और इसी एक्साइटेड को देखते हुए ये मूवी 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकता है, और ये मूवी हमें 14 अगस्त 2025 को देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। तो हमारी लिस्ट एक नंबर 3 पर आती है रामायण, और रामायण भारत की एक कल्चर मूवी होने वाली है, जिसके अंदर रणबीर कपूर भगवान श्री राम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, और सीता माता के रोल में सई पल्लवी दिखाई देंगे, और साथ ही रावण के किरदार में रॉकिंग स्टार यश नजर आएंगे। और इस मूवी को नीतीश तिवारी सर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो दंगल जैसी बड़ी फिल्म बना चुका है, और इस मूवी का अनाउंसमेंट भी हो चुका है डायरेक्टर नीतीश तिवारी द्वारा, जिसे देखने के लिए फैंस लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और इसी एक्साइटेड को देखते हुए ये मूवी 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकता है। और इसके अलावा इस मूवी को 800 से 900 करोड़ की भारी भरकम बजट में बनाया जा रहा है, और ये मूवी हमें 2025 तक देखने को मिल सकती है। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। तो हमारी लिस्ट एक नंबर 2 पर आती है पुष्पा 2, और पुष्पा 2 एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है, और इस मूवी में अल्लू अर्जुन एक अलग ही लुक में नजर आने वाले हैं, जिसे देखने में काफी तबाही लगता है, और इस मूवी को सुकुमार सर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि काफी बड़े बजट 500 करोड़ का होने वाला है, वो भी हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु और कन्नाडा लैंग्वेज में। और इस मूवी के लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, और साथ ही नेगेटिव रोल में असी भानवर सिंह आपको देखने को मिलेंगे। और इस मूवी का हाइप देखते हुए ये मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में, क्योंकि इस मूवी का हाइप पूरे भारत से लेकर विदेशों में भी है, और इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 15 अगस्त 2024 को। तो हमारी लिस्ट एक नंबर 1 पर आती है प्रोजेक्ट की, और ये मूवी प्रभास की एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है, जिसके अंदर प्रभास एक सुपर हीरो के रोल में कल्कि का अवतार लेते हुए नजर आएंगे, और इस मूवी के लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, और साथ ही नेगेटिव रोल में कमल हसन सर आपको नजर आने वाले हैं, और वो भी सुपर विलन काल के अवतार में। और इस मूवी को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनाया जा रहा है, और ये मूवी कलयुग पर आधारित होने वाला है, जिसके अंदर कलयुग पर आने वाले समय में क्या होने वाला है ये सब कुछ दिखाया जाएगा। और ये मूवी एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है, और ये पैन इंडिया लेवल के साथ साथ वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज होने वाली है, और ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है। बुराई का घर आ पड़ चुका है, अब उसको आना ही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।